राजस्थान बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट होने का किया ऐलान, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई हैं। यह पार्टियां कई इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में राजनीतिक तापमान बेहद ही गर्म है। उम्मीदवार और पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रही हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में एक जनसभा के दौरान बड़ी बात कह दी है। दरअसल झालवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। इसके बाद लोग तालियां बजाने लगे। राजे बोली, मेरे पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह को आज सुनकर लगा कि हाँ वो ठीक है, आप लोगों ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा कर प्यार के रास्ते पर लगा दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज उनके ऊपर निगाह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों के काम ऐसे ही करेंगे। ये झालवाड़ है और इस झालवाड़ को हम हमेशा याद रखेंगे। वसुंधरा राजे ने कहा कि झालवाड़ में इस बार मेरा 10वां नामांकन है। पहला नामांकन नवंबर 1989 में सांसद के लिए भरा। लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुने गए। आपने सांसद दुष्यंत सिंह को लगातार 4 बार सांसद बनाया। झालवाड़ के आशीर्वाद से 1998 में केंद्र में विदेश मंत्री बनी। उसके बाद केंद्र में लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, कार्मिक, लोक शिकायत, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री बनी। अभूतपूर्व बहुमत के साथ 2003 और 2013 में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अभूतपूर्व प्यार और समर्थन दिया है, जिसको मैं जीवन भर नहीं भुला सकती हूँ। आपने हमेशा मुझसे एक ही बात कही कि आप नामांकन तो करने आई हैं, लेकिन अब यहाँ से आप नहीं बल्कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप राज्य में अन्य जगहों पर जाकर पार्टी के लिए काम कीजिए। यहाँ से यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव जितवा कर आपको भेजेगी। आप लोग अपने क्षेत्र में ही डटे रहते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे समय झालवाड़ में रुकने की आवश्यकता कभी नहीं हुई।